तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं IRCTC RBL बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है और हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड की खासियत ये है कि ये आपसे वादा करता है कि ये आपकी एनुअल फी है उसका 40% तक का आपको बेनिफिट करा के देता है एक साल के अंदर। इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले वेलकम बोनस के बारे में। दोस्तों जैसे ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है और 30 दिन के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी एक पहली ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर होती है जब आप इस क्रेडिट कार्ड से IRCTC के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस परिस्थिति में। अदरवाइज आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती है। दोस्तों आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं हर एक 200 रुपये खर्च करने पर जब आप इस क्रेडिट कार्ड से IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब आप इस क्रेडिट कार्ड से फास्टैग रिचार्ज कर रहे होते हैं RBL के चैनल के माध्यम से। 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको हर एक 200 रुपए खर्च करने पर जब आप IRCTC की वेबसाइट से कोई फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं या फिर कोई क्रूज बुक करते हैं। इस परिस्थिति में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है आप इन सब कैटेगरी के अलावा कहीं और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चा करते हैं। आपको 8 रेलवे लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एक साल में 2 हर क्वार्टर में आपको यहाँ पे रेलवे लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप मेट्रो में भी कर सकते हैं। आप जो डेली कम्यूट है वहां पर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड के नाम से ये कार्ड को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ट्रेन कैंसिलेशन प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे कि आपकी ट्रेन जो है लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में आपको 5,000 रुपीज तक का यहाँ पे आपको बैक मिल जाएगा। आपका जो पैसा आपको ट्रेन बुक करने में गया है 5,000 तक के बेनिफिट आपको यहाँ पर उस कंडीशन में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो 1% के जो चार्ज आपको लगते हैं IRCTC के ऊपर ट्रांजेक्शन करने पर, वो चार्ज आपको यहाँ पर नहीं लगते, वो आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। तो यही बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड के। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बनाया गया जो IRCTC के माध्यम से ट्रेन बहुत ज़्यादा बुक करते हैं, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड है। जो कि आप ट्रेवल करते हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी ये क्रेडिट कार्ड है। आप जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो कितनी। वो 500 रुपये प्लस GST के स्टार्टिंग में आपको 500 रुपीज की बर्थ पे यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। 500 रुपये ही इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी। बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की, तो वो आपको लगते हैं 3.99% पर मंथ के हिसाब से और 47.88% पर एनम के हिसाब से। बात करें इस क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकालते हैं ATM जाकर, तो आपको यहाँ पर 2.5% के चार्ज लगते हैं। मिनिमम आपको 500 रुपये लगने वाले हैं। लेट पेमेंट फी इस क्रेडिट कार्ड की आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग की 12.5% होती है। मिनिमम आपको 5 रुपये और मैक्सिमम आपको 1300 रुपये यहाँ पे लग सकते हैं। आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% के रेंट पेमेंट चार्ज लगते हैं और 99 रुपीज लगते हैं जब आप इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स को रिडीम करने की ट्राई करते हैं। तो 199 रुपये लगते हैं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से EMI ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको EMI प्रोसेसिंग चार्ज 199 रुपये GST के लगते हैं। तो कुछ इस तरह से ही इस क्रेडिट कार्ड पर आपको चार्ज एंड फी लगते हैं। जितने चार्ज और फी लगते हैं उन सब के ऊपर आपको 18% GST भी देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन IRCTC पे अगर जो है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं लगभग IRCTC के ऊपर 2.5% के बराबर वो होते हैं, तो यहाँ पर उतना ही बेनिफिट है कि आप जो है IRCTC पर यूज़ करते हैं तो आपको लगभग यहाँ पर 2.5% नहीं बोलेंगे 3.5% की बेनिफिट हो जाती है। क्योंकि 2.5% की वैल्यू के तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं जो कि IRCTC पे आपके काम आ जाएंगे। 1% का जो ट्रांजेक्शन फी होती है IRCTC के ऊपर वो आपकी बच जाती है, वो आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर नहीं लगती है। आप RBL बैंक के ऐप में या वेबसाइट पर लॉग इन करके इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले कुछ दूसरे वीडियो में, तब तक लिए खुश रहें और सीखने को नहीं टेक्निक।